का फर्स्ट टाइम चल रहा है। हम टारगेट को देख पा रहे हैं। हम टारगेट के रास्ते में हैं। टारगेट नजदीक आ रहा है। कोऑर्डिनेट 6J Alpha 12, हमले की शुरुआत करो। वो बहुत तेज आ रहे हैं, मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, प्लीज कोई हेल्प करो। सॉरी, टारगेट को निशाना बना दिया है। कोऑर्डिनेट अंदर जाओ, सीधे आगे जाओ। वेक्टर 1138। सीधे आक्रमण, बचाव की प्रक्रिया चालू। आगे बढ़ते रहो। संजो फायर। पोजीशन लॉक्ड। नोवा एंगेज आयरन ब्रिज। एंगेज्ड। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, चलो इस सॉरेन वाइपर को दिखाते हैं कि कैसे टेरन घुसपैठियों को मजा चखाता है। फायर। हमने डिफेंसिव ऑरा बर्बाद कर दिया। दूसरा इंजन पूरी तरह डैमेज हो गया है, ये कंट्रोल में नहीं है। स्टेबलाइजर्स डाउन। चलो अब खत्म करें। टारगेट प्राइमरी एटॉमिक इंजन। क्या टेरन स्क्वाड्रन कमांडर, पीछे हट जाओ, शिव अब सुरक्षित है। अनजान यान, दखल मत दो, हम आदेश का पालन कर रहे हैं। मैंने अभी अभी तुम्हें नए आदेश दिए हैं। तुम होते कौन हो स्क्वाड्रन एक्स को आदेश देने वाले? कैप्टन सेबर रेन। रेन स्पेशल ऑपरेशन। कैप्टन रेन, मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि एडमिरल के दिए हुए हमले के आदेशों में आप दखलअंदाजी कर रहे हैं। और मैं तुम्हें बता दूं कमांडर कि वो आदेश गलत हैं। उस शिप और उसके कैप्टन से मैं निपट लूंगा, तुम अभी के अभी पीछे हट जाओ। उसके इंजन दोबारा शुरू हो रहे हैं। वो दूर भाग रहा है सर। सॉरी सर, कोई नहीं कर सकता। स्क्वाड्रन एक्स, संजो फॉर्मेशन टू। संजो फॉर्मेशन टू। ये बुरी चाल है। कमांडर आपके कवच नष्ट हो गए, पीछे हट जाओ। तुमने अभी अभी अपनी सेना पर हमला कर दिया, ये एक राजद्रोह है। सरसी, चैनल ओपन करो। चैनल ओपन हो गए सर। कैप्टन, ये एक सीधा आदेश है, ये सब कुछ बंद कर दो। मैं ये आदेश नहीं मान सकता सर। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। नहीं कर सकता सर। तो फिर मेरे पास भी अब और कोई रास्ता नहीं है। कमांडर स्क्वाड्रन एक्स, हमला करके खत्म कर दो इसे। अफर्मेटिव। स्क्वाड्रन एक्स, उसे बाहर करो। लगता है ऐसे नहीं मानेंगे। वो अपने कवच के जरिए ये नहीं कर सकता। इंजन पूरी तरह से गर्म हो रहा है। प्लाज्मा टॉर्पीडो।
प्लाज्मा टॉर्पीडो दूर है। कोऑर्डिनेट्स अल्फा 647, हमने शुरुआत की। मुझे दिख रहा है, थैंक यू ओरायन। ओपन फायर ऑल बैटरीज। फायर पावर इंजन की तरफ। टक्कर होने वाली है, संभाल कर। हम ट्री प्लाज्मा उतार रहे हैं, रिपेयर दल को भेजो। उसने एक फ्यूजन माइन लॉन्च कर दी है। शिप को खाली कर दो। ट्रिपल पावर। सभी लोग शिप से चले जाओ। आई रिपीट, सभी लोग शिप से चले जाओ। तू बचेगा नहीं सेबर। सेंसर्स। ऊष्मा के कोई आसार नहीं, जरूर ठंडे खून वाला है। कंट्रोल, ये क्या चीज है? स्कैनिंग सर। अनजान है सर, हमारे डेटाबेस से इसका कोई मैच नहीं। मोशन सेंसर चालू करो। कैप्टन रेन। सेबर, और मुझे सल्यूट मत करो। मैं हूं कमांडर बॉस, मैं इस ऑपरेशन को लीड करता हूं। ये रील है, मेरा आर्म्स मास्टर, और ये है फेट, पैमाइश करने में माहिर।
हमको यहां से जाना चाहिए। वो सब क्या थे? जीवन के लक्षण उत्पन्न क्यों नहीं किए? वो इसलिए क्योंकि वो जिंदा नहीं थे, वो लाशें थीं, या किसी तरह के लार्वा के द्वारा एनिमेटेड थे जो मरे हुए शरीर से जुड़े हुए हैं। बेवजह कोई भी इस प्लैनेट में नहीं आता, ये उसका परिणाम है जो यहाँ सदियों पहले हुआ होगा। इसके बारे में कोई डेटा मौजूद नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, बस एक क्वांट्रीन सभी यानों को यहाँ से दूर रहने के आदेश दे रहा है, और इस प्लैनेट से सभी लोग अनजान हैं। अच्छा है मैंने जो निर्दानशक भेजे थे वो तुम्हें मिले, जो मुझे पता है मैं बताऊंगा। ये दुनिया कभी गोरस प्राइम कहलाती थी। कभी सुना नहीं इसके बारे में? मैंने सुना है, एक लेजेंड का प्लेनेट एक क्रूर अधिपति के द्वारा शासित। जो कहानी मुझे बताई गई वो बेरहम और भयानक थी, लेकिन क्रूर भी कह सकते हैं। जब उन्होंने इस प्लेनेट की दोबारा खोज की, उन्होंने इसे अलग कर दिया, लेकिन किसी ने उस अलगाव को नजरअंदाज कर दिया। वो अपने व्यापार के संचालन के लिए यहां पर आए बुरी नजरों के साथ। तुम्हारे जैसे लोग? मुझसे भी बदतर लोग, पाखंडी, तस्कर। यहां मुझे तुम्हारी असाधारण उदारता मिली, लेकिन तुम्हारे ट्रांसमिशन्स ने मुझे वो विशिष्ट तथ्य देने से नकार दिया जो हमारे सामने था। हम उस जानकारी को ट्रांसमिट नहीं कर सकते, उसके इंटरसेप्ट हो जाने का डर है। मुझे नहीं लगता यहां कोई सुन रहा है। एरिसन रॉयल परिवार के सदस्यों को कहीं ले गए। प्रिंस और प्रिंसेस राजा के वारिस हैं। उन्होंने राजा के खजाने का एक हिस्सा भी लिया। जिसने भी उनका अपहरण किया वो किसी तरह बिना पकड़ में आए प्लैनेट से भाग गया। मुझे खजाने के बारे में बताओ। एक अकेला खजाना सदियों पहले पुरातत्विक खुदाई में पाया गया एक अवशेष है जो प्लैनेट फोबोस पर मिला। कीमती है? बेकार, एक जानकारी एकत्र करने वाला यंत्र। इसे हमारे लोगों की जिंदगी से ज्यादा उस खजाने के बारे में चिंता हो रही है। मैं हैरान हूँ तुम्हारे प्लैनेट ने सिर्फ तुम तीनों को ही भेजा। क्योंकि हम तीनों ही उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे, और हमें ये हुक्म मिला है कि हम जो इन सब के जिम्मेदार हैं उन्हें ढूंढें और खत्म कर दें। चालाकी से अगर राजा मर जाता है उसके बच्चों के पास हमारे पहुंचने से पहले, तो हम अगले जन्म में उससे जुड़ने के बाद सम्मानित होंगे। मेरा एक दोस्त है, अजीज दोस्त, और ये गोरोज में हो रहा है तो उसे इस बारे में पता होगा। मुझे यकीन है कि तुम ठीक होगी। मेरी सहजता व्यर्थ है, मेरा भाई कहाँ है? अरे छोड़ो मुझे। ये मेरे स्वागत का लुत्फ उठा रहा था। तुम मुझे बताओ मैं क्या जानना चाहता हूं, और इस ज्ञान की मदद से मैं पूरे ब्रह्मांड को जीत लूंगा। मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगी। माना कि हम रॉयल हैं, लेकिन हम अभी भी योद्धा हैं। हमारे पिता हमें ढूंढना बंद नहीं करेंगे। लेकिन वो नहीं ढूंढ पाए, कोई नहीं। कौन हो तुम? मैं हूँ सिंजिन, लेकिन तुम और साथ ही सभी जीव जंतु मुझे मास्टर बुलाते हैं, योद्धा। तुम्हें कोई परेशानी है? मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तुम मुझे जानते नहीं हो। सच में? कंट्रोल, मुझे इसी वक्त सेवर रेन के बारे में जानकारी चाहिए। सेवर रेन, ओरिजिन अर्थ 2762, साइबर कोर्ट में एक डेकोरेटेड ऑफिसर है, 2784 में अपनी यूनिट का संचालन कर चुका है। ये उतना बुरा भी नहीं है। 2790, रिकॉर्ड ये दर्शाता है कि मार्च में सॉरीन पर हमले में पूरी टीम खो गई थी,
सेवर रेन ही उसमें अकेला बच गया था। सोरेन के बारे में जानकारी पाने के लिए सब्जेक्ट को भेजा गया था। मिशन के सप्ताह के दौरान सब्जेक्ट लापता हो गया, उसे मरा हुआ माना लेकिन गया। तुम तो तबाह नहीं हुए ना? 2792 में पुनः स्थापित हुआ। एक व्यापक टेरन सेना के तौर पर सोरेन पर हमला करते हुए सब्जेक्ट ने दुश्मन का पक्ष लिया, उस पर देशद्रोही का आरोप लगाया गया। थैंक यू कंट्रोल। रेल, इससे कुछ भी साबित नहीं होने वाला। ये बहुत बड़ा लालची है, किसी काम का नहीं है। तुम्हें मेरे अतीत के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं, वो गुजर चुका है। अब हम यहां हैं और तुम्हें मेरी मदद और मेरे सहारे की जरूरत है। तुम्हारी पर्सनल फीलिंग ज्यादा जरूरी हैं या उनको बचाना जिन्हें बचाने की तुमने कसम खाई है? तुम्हारे हथियार वो गैस के धमाके के साथ साथ प्रोजेक्टाइल फायर करते हैं। बुलेट्स, T2 एक्सप्लोसिव्स, क्या यही चाहिए? पुराने और पूरी तरह से घटिया। क्या तुम हमारी बंदूकों के साइज की तुलना बंद करोगे और लोगों को ढूंढोगे? बस वहां उस चोटी के पार जाना है। अपनी लाल आंख खुली रखना, हम एनलर्ट के क्षेत्र में हैं। ये एनलर्ट क्या है? तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। जहां हो वहीं रहो। हेलो मत। इस मैनेट पर तुम्हारे पास हमेशा बैकअप होना चाहिए। सेबर रेन, सही पहचाना। मैं तुम्हें देखकर हैरान हूं, वो भी जिंदा। हेलो, देखो कौन आया है। अरीसियंस, और देखो किसके साथ सफर कर रहे हैं। हाँ, वो हम पुराने दोस्त हैं। अच्छा है, तुम जल्दी दोस्त बना लेते हो। हम अपने कुछ दोस्तों को ढूंढ रहे हैं, मैंने सोचा आप कुछ मदद करेंगे। ये उदारता है, क्योंकि अगर मैं अपने किसी दोस्त को धोखा देता हूँ तो इसकी कीमत ज्यादा होगी। विजिटर्स हैं, उन्हें उनकी इच्छा के खिलाफ लाया गया। तुम गुलाम कह सकते हो, हाल ही में उनके यान का भाड़ा बढ़ गया है। वो जिनेरियन शायद तुम्हें याद होगा, लोथोस। गैलेक्सी के इस हिस्से में वो गुलामों का मास्टर्स माना जाता है। लोथोस एक डाकू है, निहत्थे यानों पर कब्जा करता है, उन्हें गुलाम बना लेता है। हम ढूंढने की कोशिश। हम बाकी एरिसियंस को ढूंढ रहे हैं। तो क्या तुम मुझे कोई जानकारी दे सकते हो? अच्छी हो, लेकिन तुम्हें कुछ और भी करना होगा। कहते हैं एक पावर सिलेंडर। मैंने अपने काम के दौरान इस बारे में बहुत सी कहानियां सुनी हैं, वो कहानियां जो अरीजियंस के पावर सिलेंडर के बारे में हैं, मुझे हमेशा हैरान किया है। बस कहानियां हैं। तो मुझे डर है मैं मदद नहीं कर सकता। तुम अच्छी जानकारी रखते हो। मैं सोचता हूं तुम्हारे दोस्त अगर मेरे दोस्त हैं
मैं किसी बंधक के बारे में कुछ नहीं जानता। हमेशा बैकअप होता है, लेकिन हाल ही में उन खंडहरों में बहुत सी हलचलें हुई हैं। यान उस दिशा में उड़ते हुए दिखे। वहां की ऑर्गेनाइज फोर्स के द्वारा इन लीड्स के आसपास हत्याएं की जा रही हैं। पर ये जरूरी क्यों है? कोरोस में बहुत सारे अजीब जंतु हैं, अलग अलग युद्ध तर गुट। वहां बस एक चीज एक जैसी है, वो सभी उन खंडरों से दूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां जो भी जाता है वो ज्यादातर बाहर नहीं आता, कुछ अपवादों के साथ। मैं भी कभी उन खंडरों में नहीं गया हूं, पर मैं उन्हें दूर से देख चुका हूं। किसी को बंदी बनाने के लिए वो एक परफेक्ट जगह है। अब वो हमारी मंजिल है। रात को सफर करना सेफ नहीं होगा, तुम यहां सुबह तक रुक सकते हो। मुझे लगता है हमें आगे बढ़ना चाहिए। थैंक्स जैक्स, इसके लिए माफी चाहूंगा। काफी तगड़ा है। कोई बात नहीं, मेरे पास खदान में बहुत है। अगर तुम इससे बच गए, उम्मीद है आगे भी बचोगे। कीमत चुकानी पड़ेगी। चलो। ख्याल रखना जैक्स। वो चली गई आराम से। मेरा नाम है कोराक, मैं ट्रांसपोर्ट पायलट हूं। हम कहाँ हैं? किस प्लैनेट में हैं? कौन सा प्लैनेट? कोरोस प्राइम। हमें कैद करने वालों के बारे में क्या जानते हो? ज्यादा कुछ नहीं। मैं आउटलैंड के पास उड़ रहा था, शिप की पावर चली गई, क्रॉस लैंडिंग हुई। हम चार लोगों में से बस दो ही बच पाए। बचे हुए बाकी लोग कहाँ हैं? मुझे नहीं पता, हम अलग हो गए थे। और तुम? समझ नहीं आ रहा। मैं और मेरी बहन एरिस में थे, हमारे घर की दुनिया, और जब हम जागे तो यहां थे, कैद में। तुम इतने खामोश क्यों हो? ब्रह्मांड में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ लिखा है। मुझे बस उसका इंतजार है जो मेरे लिए लिखा है। वो पावर सिलेंडर मैना का पत्थर है ना? और एक जैक्स को देखकर तुम फिक्र कर रही हो? अभी जो जरूरी है, हमारा मिशन पैरामाउंट है। इसके अलावा वो एक बहुत अस्थिर पदार्थ है। तुम कहना चाहती हो मेरा दोस्त खुद को उड़ा सकता था? क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। तुमने लोगों को धोखा क्यों दिया? Excuse me? तुम एक सम्मानित आदमी लगते हो, तो इसके पीछे कोई वजह तो होगी कि तुमने सोरियंस का साथ दिया? एक सोरियन, क्रोटालिस। अगर मैं कुछ नहीं करता तो वो मारा जाता, और मेरे होते हुए मैं ये होने नहीं देता। क्रोटालिस ने मुझे एक जानकारी दी थी जिसने हमारी सेना को एरोबस 2 पर उनकी सुरक्षा में घुसने दिया। उसकी वजह से हम वो जंग जीते थे। मेरी सरकार नहीं चाहती थी कि बाकी गैलेक्सी को ये पता चले कि हम ये खुद नहीं कर सकते थे, इसलिए वो उसे शांत कराना चाहते थे। और तुमने सोचा कि तुम उनकी रक्षा करो? गलत तो गलत है फैड, वो एक हीरो थी। हमने बहुत आराम कर लिया। कंट्रोल, हम आगे बढ़ रहे हैं। कंट्रोल, जवाब दो,
हम जरूर दलदल में प्रवेश कर चुके हैं। तुम्हारे पावर सोर्स यहाँ काम नहीं करेंगे। शायद मेरे गैस से चलने वाले प्रोजेक्टाइल्स अब तुम्हें इतने बुरे नहीं लगेंगे। बस बता रहा था। तुम्हें पता था ये होगा? ये जगह तकनीकी के लिए अनजान है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें निर्देशक दिए। शिप यहाँ नीचे आ रहे होंगे, ये बुरा होगा, लेकिन खंडर के लिए यही एक रास्ता है। हमारे जहाज तैयार हैं, हम इंतजार क्यों कर रहे हैं? तुम्हें मेरा ये सत्कार कैसा लगा? क्या ये पर्याप्त नहीं? लेकिन मेरे बदले की आस अब तक नहीं बुझी है। जेनरेटर पूरा होने वाला है, लेकिन पावर सोर्स अभी भी सही नहीं है। उसका समीकरण ठीक होना चाहिए। वो कह रहा है तुम्हें उसे बंधकों से पूछताछ करने देनी चाहिए। वो वहां सफल हो जाएगा जहां तुम असफल हुए। और अगर ये भी नहीं कर पाया तो? नहीं, जब जनरेटर शुरू हो जाएगा मेरे पास वो होगा जो मुझे चाहिए, और तुम्हारे जहाजों में बहुत पावर होगी मेरा आतंक शुरू करने के लिए पूरे ब्रह्मांड में। हम एक अलायंस है, हम तुम्हारे लिए काम नहीं करते। मैं दलदल के जरिए रास्ता पार कर चुका हूं, तुम्हें सब्जेक्ट्स दे चुका हूं मॉडिफाई करने के लिए। तुम कभी एक महान साम्राज्य का दावा करते हो, लेकिन मैं तुमसे प्रभावित नहीं हुआ। यह सही है, आपने इस समझौते की पहल की होगी, लेकिन हमने सभी कच्चा माल मुहैया कराया और टेक्नोलॉजी भी। और टेक्नोलॉजी भी? तुम्हारा दिमाग इतना छोटा है, हर बार तुम पूरी तरह हार चुके हो उनके द्वारा जिन्हें तुम जीतना चाहते थे। मैं तुम्हें प्रस्ताव दे रहा हूं, वो तुम्हारी समझ से परे है। यकीन नहीं होता, प्रमाण दिखाने की जरूरत है। उसे मारना कठिन है जो सच में जिंदा ना हो। मेरी रचनाएं विज्ञान से संचालित नहीं है, ये दिमाग से संचालित है। जिंदा है क्योंकि इनमें मेरा अंश है। तो तुम अपनी ताकत दिखाने के लिए मुझे मार डालोगे? नहीं, तुम्हें मारना व्यर्थ होगा। अपने यान में वापस जाओ और अपनी तैयारी जारी रखो। जाओ जाओ। कमांडर बॉस, कृपया जवाब दीजिए। अनुसूची को जांचने का वक्त गुजर चुका है। रिकवरी प्रोटोकॉल 1 शुरू हो रहा है। Thank you.
घुड़सवार सेना है। तुम्हें इन जीवों से इतने करीब से निपटने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। तुम उन्हें दूर से ही ठिकाने लगा सकते थे। आवाज से लगा वो ज्यादा होंगे। हम खुशकिस्मत हैं कि उनका दल छोटा था। हमें यहां से निकलना होगा। कमांडर, पापा। तुम्हें मिशन पूरा करना होगा। वारिसों को ढूंढो। हम उन्हें साथ में ढूंढेंगे। नहीं, फेड, हमें निकलना चाहिए। सही, चलो, हमें उनसे निपटना होगा। हमेशा कठिन रास्ता ही होता है। हमेशा बैकअप होता है। तुम ठीक हो बहन? मैं मजबूत हूं। मुझे पता है तुम हो। कोई बात नहीं, वो दोस्त है। यहां हमारे दोस्त नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें अकेला छोड़ देता हूं। I'm sorry, वो मेरे लिए तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो चाहते हैं हम नहीं दे सकते। हम यहां से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लेंगे और घर जाएंगे और वापस आकर इन लोगों से बदला लेंगे। टियर, तुम ही हो जिसे पापा ने बीमार होने से पहले वो रहस्य सौंपा था। तुम्हारा घर जाना जरूरी है। तुम्हें हमारे लोगों को लीड करना। मैं उन्हें तुम पर दोबारा हाथ उठाने नहीं दूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। तुम हमेशा बहुत मजबूत रही हो। अपना साम्राज्य बचाने के लिए हमें लड़ना होगा। मुझे पता है पापा ने ऐसा कभी नहीं कहा, लेकिन उन्हें तुम पर गर्व होगा। जेनो आर्कियोलॉजी के लिए तुम्हारा जुनून और इस महान ब्रह्मांड को समझने की तुम्हारी क्षमता, तुम्हारे जैसा दिमाग कभी बेकार नहीं जाना चाहिए। तुम्हारी बहुत जरूरत है। मैं उन्हें वो दूंगा जो वो चाहते हैं। उसके बदले में वो तुम्हें सुरक्षित एरिस में पहुंचाएंगे। मेरी जगह में तुम नेतृत्व करोगे। नहीं, मैं तुम्हें वही सम्मान दूंगा जो पापा ने मुझे दिया। वो फ्रीक्वेंसी जिसकी वजह से मैना पत्थर कंट्रोल एनर्जी छोड़ते हैं। ये पागलपन है, इसका कोई और रास्ता भी तो होगा। अगर वो उसे पा भी लें तो बस कच्चा माल ही जीत पाएंगे और उसके शोधन की सुविधा जुटाएंगे। मैं इस सौदे में इतना वक्त लगाऊंगा कि उतने समय में तुम हमारी सेना को वापस लेकर आ जाओगी और खतरा टल जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से तुम मर जाओगे। तो ये जानकर जी लेना। क्लायोपी प्लीज, जैसे तुमने कहा था, हमें उसे बचाना होगा जो हमारा है। वैसे ये काफी अच्छा प्लान है। ये काम कर जाएगा। तुम्हें कैसे पता वो तुम्हारी बात मान लेगा? हमारे पास एक कोड वर्ड होगा और उससे तुम्हारी सुरक्षा पक्की हो जाएगी और हमारे इरादे भी।
एक बार वो वर्ड मेरे पास वापस आ जाएगा तो मैं सिंजिन को जानकारी दे दूंगा। गुड। आई एम सॉरी मेरे दोस्त। देखो बच्चे, मैंने जो भी कहा वो सिर्फ मेरी बहन के कानों के लिए था। रिकवरी ड्रोन ऑफलाइन हो गए हैं। आराम से, तुम्हें जहर दिया गया था। मैंने घाव पर दवा लगा दी है, तुम्हें इसे काम करने के लिए वक्त देना होगा। गुड मॉर्निंग। तो आप लोग मेरे दोस्त से मिल ही गए। ये क्रोटालिस। डरने की बात नहीं, मैंने उसे ठिकाने लगा दिया है। फिलहाल वो अभी जल्दी वापस नहीं आएंगे। मेरे पापा? I'm sorry. वो वैसे ही मरे जैसे जीते थे, सम्मान के साथ। उनका शरीर? हमें एक चिता बनानी चाहिए। मैं निश्चित नहीं हूं कि ये एक समझदारी का काम होगा। मेरे समझ में आता है ये ज्वाला कैसे भड़का सकते हैं। क्या इस अनजान जगह में ऐसा करने से किसी को पता नहीं चल जाएगा? मुझे उम्मीद है तुम और ज्यादा बारूद लाई होगी। हमेशा कठिन रास्ता ही होता है। तुम सड़ो। ये यही रहेगी। मैं अपनी शर्तों का प्रस्ताव देता हूं। सावधान रहना, वो विश्वास के लायक नहीं है। हाँ, तुम्हें सब सच बताना होगा। तुम्हारी बहन की आजादी, जो जानकारी मुझे चाहिए उसके बदले मैं तुम्हारे प्रस्ताव पर विचार करूंगा। लेकिन पहले मैं फैसला कर लूं। क्या तुम्हें अंदाजा है कि मैं कौन हूं? इस पूरे ब्रह्मांड के विजेताओं में से एक मैना पत्थर के रहस्य को चुराना चाहता है। जो टेक्नोलॉजी तुम्हारे लोग इस्तेमाल करते हैं, क्या उसमें पावर है? क्या वो प्रभावशाली है? मैना पत्थर के बारे में तुम क्या जानते हो? मैं क्या जानता हूं? मैं जानता हूं ये तुम्हारे प्लेनेट में उत्पन्न नहीं हुआ। मैं जानता हूं ये सदियों पहले युद्ध में चुराया गया और इससे ही तुम्हारा अपना साम्राज्य बना।
और ये सब तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि मैं वहां था। तुम्हारा वंश यही उत्पन्न हुआ, गोरस में। असंभव, हमारा घर एरिस है। और एरिस तुम्हारी दुनिया नहीं है, तुम्हारे पूर्वजों ने वहां शरण ली उस मकान गैलिस्टिक युद्ध के बाद जो ब्रह्मांड ने कभी नहीं देखा। तुम गोरस के बच्चे हो। मुझे तुम पर यकीन नहीं। लेकिन तुम्हें यकीन करना होगा। जब तुम्हारे पूर्वजों ने मेरे प्राचीन दुश्मनों के साथ खुद की संधि की, उसके आगामी युद्ध ने इस प्लेनेट का नाश कर दिया। मेरे पावर के जरिए ही मैं गोरस का एक छोटा सा हिस्सा बचाने में सक्षम हुआ, और मैं उसका राजा बन गया। लेकिन मुझे धोखा दिया गया। तुम पागल हो। मुझे बस वही चाहिए जो मेरी किस्मत में लिखा गया है। एक बड़ी कहानी जिसने मुझे उजागर किया। अब मैं समझ गया, जो मुझे पता है वो कभी नहीं बताना चाहिए, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। ठीक है, मत बताओ। तुम्हारे रहस्य पहले से ही मेरे पास है। क्लायोपी? नहीं, ये वही है जो होना चाहिए था। लेकिन हमारी दुनिया, हमारा परिवार। तुम नहीं समझे, सिंजिन हमारा ही परिवार है, हमारे सबसे पुराने पूर्वज। तुम इस शैतान की बात पे यकीन कैसे कर सकती हो? एक ऐतिहासिक रत्न मैंने ये एरिस के खजाने में पाया, हमारे वंश का सबूत। इस रत्न से मुझे इस प्लैनेट की स्थिति पता चली। मैंने उस प्राचीन युद्ध के अवशेष खोजे। जैसे किसी अनजान बल के द्वार पर मुझे खींचा गया हो, मैं एक छिपे हुए कक्ष में खींची चली गई। सिंजिन एक क्रियोस्टोसिस में अभी भी जिंदा थे। मुझे पता था उन्हें दोबारा जिंदा करना मेरी मंजिल थी। ये सब झूठ था टियर। एरिस में हमारा इतिहास हमारे अतीत को छुपाने के लिए बनाया गया है। एक अतीत जिसमें हम अपने आप बदल गए, एक अतीत जिसे मैं सही करूंगी। जनरेटर का निर्माण पहले ही हो चुका है। एक शुद्ध मैना पत्थर की आपूर्ति प्रदान की गई। सिंजिन मैना पत्थर की पावर को टेलीपैथी से काबू करते हैं। हमने इसे टेक्नोलॉजी की मदद से मैनिपुलेट किया। साथ मिलकर हम ब्रह्मांड में एक नई शक्ति स्थापित करेंगे। अब तुम्हारे पास एक ही बेहतर चॉइस है। कोई चॉइस नहीं है। हमेशा एक ही चॉइस होती है भाई। मुझे उम्मीद है तुम समझ गए। समझ गए? तुम हमें यहां लाई, हमारे अतीत से नफरत करने के लिए खुद को तैयार किया, उस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का खुलासा करने के लिए तुमने मुझे धोखा दिया, और अब जीत का भ्रम है? ये कोई भ्रम नहीं है, अगर तुम कर सकते हो तो। तुम ऐसी तो नहीं हो। ये मैं ही हूं। मैं ब्रह्मांड का अध्ययन कर रही हूं, जहां एक ही चीज होती है, युद्ध। हर बार हर क्षण दर्जनों प्लेनेट युद्ध में शामिल हुए, साम्राज्य बने और खत्म हुए। और तुम यकीन है कि तुम इसे कंट्रोल कर सकती हो? हाँ, ब्रह्मांड को शुद्ध रूप देना है। हाँ। एक नया रूप। अब मैं समझ गया। तुम सबसे बड़ी थी, फिर भी पापा ने अपने मन की बात बताने के लिए मुझे चुना। वो पहचान गए होंगे, लेकिन मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। तुम एक गद्दार हो। जो मेरे साथ हो रहा है उसकी परवाह नहीं मुझे, लेकिन एरिस तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा। एरिस इसे आते हुए नहीं देखेगा। जल्दी ही मैं अपने राज्य वापस जाऊंगी, जिसे तुम्हारी वजह से तबाह होने से बचाना है। पापा की मौत नजदीक है और सिंहासन पर मेरा हक होगा। एरिस और गोरस दोबारा एक हो जाएंगे और इतिहास एक बार दोबारा लिखा जाएगा। तुम पागल हो गई हो सिस्टर। नहीं नहीं मेरे बच्चे, ये एक लड़की है जो यहाँ की राजकुमारी जल्द बनेगी। तुम जिंदा रहोगे।
मेरी जीत देखने के लिए। मैं हूँ फेड, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है, तुमने हम सभी को बचाया। ये इतना कठिन नहीं था, मेरे पास टॉक्सिन के बारे में कुछ अनुभव है। फेड की भड़काऊ भावनाओं के लिए मैं माफी चाहता हूँ। क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसने अपने पिता को खोया है और मैंने अपना भाई खोया। मुझे पता नहीं था। सभी एजेंट परिवार एक साथ काम करते हैं, इससे हम निष्ठा की चरम सीमा पे बने रहते हैं। तुम हमें ट्रैक कर रही थी? पीछा कर रही थी, सेवर के कहने पर। उसमें भी बहुत ज्यादा उदारता है, लेकिन उसका बहुत लोग विरोध करते हैं, वो बहुत सावधान रहता है। तो तुम और सेवर? ओह, नहीं नहीं, वो अंदर से आकर्षित है, लेकिन हम विसंगत हैं। वो रहा खंडर। मेरे हथियार की पावर रीस्टोर हो गई है। कंट्रोल, ये एक्टिव है लेकिन कोई सिग्नल नहीं। लेकिन फिर भी हमें चौकन्ना रहना होगा। कुछ चीज मुझे बताती है कि हम कुछ बहुत ज्यादा खतरे की ओर जा रहे हैं। अरे नहीं, ये क्या? मेरी बात सुनो, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। क्या तुमने उसकी ताकत का अंदाजा लगाया? ऑर्गेनाइज्ड है, सिपाही है। वो किसी चीज की रक्षा कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे कुछ है। हो सकता है, चलो खुद को साबित करें। जनरेटर पूरी तरह काम करने योग्य है, हमारे जहाज कनेक्ट हो गए हैं जैसा हमने कहा। कुछ ही घंटों में तुम्हारे जहाज एरिसियन की पावर जान लेंगे और गोरास की टेक्नोलॉजी भी। ये क्या है? क्या हो रहा है? कोई हमसे मिलने आया है। कौन और कहां? आसपास। उनकी आंखें गहरे लाल रंग की हैं। मुझे लगता है वो तुम्हारे भाई बंधु हैं। कितने हैं?
मेरे स्केलियन पहरेदारों को निपटाने से पहले मैंने 3 देखे। कैवेलियर्स होने की ज्यादा संभावना है। बस 3? कैवेलियर्स बहुत ताकतवर हैं, जैसे कि कोई पूरा युद्धपोत हो, खतरनाक हथियारों के साथ, मैना पत्थर टेक्नोलॉजी से संचालित। हमारे पास पर्याप्त सेना नहीं, अगर उन्होंने हमें ढूंढ लिया तो दूसरे लोग भी पीछा करेंगे। क्विंटारी पायलटों को साथ लो, आसमान पर गश्त लगाओ जब तक बचे हुए जहाज जनरेटर से कनेक्ट रहेंगे। लेकिन मायर का क्या? मायर एक रचना का एक रक्षा क्षेत्र है, इसे डीएक्टिवेट किया जा सकता है। हम उन्हें जमीन पर रोकेंगे। वो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकती। किसी तरह का सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम जो किसी के दिमाग से जुड़ा हुआ है। जंगली, क्या यह सच में जिंदा था? थोड़े बहुत आसार हैं। इसकी जैविक अवस्था के आधार पर यह बहुत पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब ये बस एक नासमझ गुलाम है। ऐसा लगता है मानो कोई आदमी या कोई चीज इसे कंट्रोल कर रही है। इसका मतलब यह मुमकिन है कि हमारे बारे में पता चल गया तो हमारा सामना अजीब चीजों से होने वाला है। फिर से कहो। क्या कहूं? यही कि हमेशा कठिन रास्ता ही होता है। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। मुझे छूना मत। तुम्हारी तो उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया? ये सब मेरे बाकी साथियों के साथ भी हुआ होगा। ये सिंथेटिक है लेकिन मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। हाँ सही कहा तुमने, मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ। क्या तुम चल सकते हो? अब क्या कहूँ मैं, मुझे नहीं लगता। तुम्हें अपनी बहन को बचाना होगा। मुझे नहीं लगता यह संभव है। सॉरी मेरे दोस्त। हवा में हैं और दायरे बना चुके हैं, तुम्हारे आदेश का इंतजार है। मायर हटा दिया है। ड्रोन का कम्युनिकेशन पुनः स्थापित हो गया है, रिकवरी प्रोटोकॉल दोबारा जोड़ दिया गया है। जरा रुको। कंट्रोल। सकारात्मक सर, आपकी स्थिति क्या है? कमांडर बॉस मारे गए। समझ गई कमांडर, रिकवरी ड्रोन रास्ते पर है, ETA 10। बहुत अच्छा, उन्हें जमीन पर ले आओ। हम टारगेट एरिया पर पहुंच रहे हैं और ड्रोन उन्हें हमारी एग्जैक्ट पोजीशन बता देगा। समझ गई, सतह पर उड़ रहे हैं। वो शायद पहले से हमारी स्थिति जानते थे।
सीधे आगे से पहुंच रहे हैं। सेवर कहाँ है? शायद हमें उसकी लीड फॉलो करनी चाहिए। हमें आगे बढ़ना चाहिए। प्रिंसेस। छोड़ो उसे। मैं बंधक नहीं हूं रेल, ये दोस्त हैं। मैं यहाँ एक सीक्रेट मिशन पर हूँ और इसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है प्रिंसेस। जो तुम्हारे बगल में खड़े हैं वो तुम्हारे दोस्त जैसे नहीं लग रहे। प्रिंस टियर कहाँ है? प्रिंस मर चुका है और मैंने ताज के प्रति वफादारी की शपथ ली है। मेरे लिए तुम लोगों को मेरा आदेश मानना होगा। अपने हथियार जमीन पर रख दो और नीचे झुक जाओ। तुम क्या कर रहे हो? वो अपना फर्ज निभा रहे हैं। वैसे तुम कौन हो? एक सौरियन। लगता है मैं अकेली ही नहीं हूं जो एलिस के साथ सफर कर रही हूं। प्लीज बीच में दखल मत दो। तुम्हारी आवाज बहुत विनम्र है लेकिन तुम्हारा इरादा कुछ और ही लग रहा है। तो ठीक है, मुझे बयां करने दो। हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। राजा बहुत बीमार है, तुम्हें जल्द से जल्द हमारे साथ एरिस लौट जाना चाहिए। तुम्हारे काम के प्रति तुम्हारी निष्ठा प्रशंसनीय है लेकिन अब जरूरी नहीं है। मैं एरिस बहुत जल्द जाऊंगी लेकिन सबसे पहले मेरे भाई का सम्मान करना चाहिए, अंतिम संस्कार की चिता के साथ। मैं मौत से बहुत दूर हूं। ओ, इसकी तो उम्मीद ही नहीं थी। तुमने तो कहा था वो मर चुका है। नहीं मरा तो अब मर जाएगा। मार दो उसे। मुझे कीड़े पसंद नहीं। रेन! लोर्थोस, तुम अभी भी गलत साइड पर हो। ये लोर्थोस है? उन कहानियों से मुझे कुछ ज्यादा ही उम्मीद थी। तुम जूतों का एक अच्छा जोड़ा बना लेना। ये सब बेकार है, मार डालो सबको। मार गिराओ उसे। मेरा सौभाग्य है। सब अलग हो जाओ और नजर रखो इन पर। कंट्रोल, क्या तुम सब ये देख रहे हो? सकारात्मक पावर बढ़ा रही है। कवामी। क्या? कवामी।
तुम्हारे साथ लड़ना एक गर्व की बात है। ये क्या है? भागो यहाँ से! कंट्रोल, उन ड्रोन्स का इस्तेमाल करो। दुश्मन को निशाना बना दिया गया है। कंट्रोल, सभी टारगेट्स को नष्ट कर दो। हम वारिसों का पीछा करते हैं। सकारात्मक। थैंक यू सर। वैसे तुम कौन हो? सेवरेन, एक लालची। मुझे जोखिम लेना पसंद है। खैर, इस वक्त तुम जोखिम में लड़खड़ा गए हो। हमेशा इसी तरीके से होता है। चलो घूम जाओ। क्या तुम सच में नहीं समझे यहाँ क्या हो रहा है? ओ, मुझे लगता है मैं समझता हूँ। तुम शायद कुछ बुरे लोगों के साथ मिल गई हो, अपने भाई को मारने की कोशिश की, दुनिया पर शासन करने की योजना, ब्ला ब्ला ब्ला। मेरा काम तुम्हें ढूंढना था। मैं तुम्हें तुम्हारे लोगों के हवाले करके रहूंगा। क्या तुम्हें हायर किया गया है? हाँ, मुझे लगता है कि मैं इसी वजह से लालची हूँ। लेकिन तुम सोच रही होगी कि मुझे किसी तरह का कोई प्रस्ताव दूं, तो ये परेशानी मत लेना। सिद्धांतों वाला आदमी। ये भी सही है। इससे सब कुछ बदल गया। तो क्या अब हम कुछ काम की बातें करें? वैसे बता दूं, मेरे दाम बहुत ही उचित हैं। घुटनों पर आओ। जैसा तुम चाहो। मैं वफादारी का दावा करता हूं। मैं कर सकता हूं। वैसे मैं कभी भी किसी औरत को नहीं मारना चाहता, और तुम तो प्रिंसेस हो, लेकिन तुमने अभी मेरा सिर काटने की कोशिश की, वो भी हमारी पहली मुलाकात में। तो मजाकिया बनके कोशिश कर रहे हो अपने अंदर के किसी रूप को छुपाने की, एक आदमी के तौर पर। तुम्हें पता है, मुझे ऐसा करने में कोई परेशानी नहीं। शायद तुम्हारी ये हेकड़ी किसी काम की नहीं है। तुम ज्यादा कुशल नहीं हो। तुम्हें कुछ नहीं पता। मारो! मैंने कहा मारो! देर से आया पर सही मौके पे आया। अंजाम विमान, इन्हें हवा में उलझा कर सामना करो। No.
हो? अलविदा हीरो। क्या तुम्हारे हथियार शिप को गिरा सकते हैं? हाँ मुमकिन है। मैक्सिमम पावर। चलो हमला करो। इसका तो एक बार में ही काम हो गया। हमने फायर नहीं किया। दुश्मन का यान नष्ट कर दिया गया है। कवर टीम हमेशा तैयार रहती है। कंट्रोल, बोर्डिंग के लिए तैयार है। यहाँ एक खतरा है जो क्लायोपी के विश्वासघात से भी ज्यादा जरूरी है। तुम्हारे पास कोई और यान है इस प्लैनेट से बाहर जाने के लिए? मेरा शिप ले लो, द ग्लैडिएटर। तो फिर ट्राइडेंट के पास एक जरूरी मिशन है। आदेश का इंतजार। वो अपने गन के बिना कहीं नहीं जाता है। क्या हो रहा है यहाँ? मैं सोच रहा हूँ कि हमें ये प्लैनेट छोड़ देना चाहिए। वो सब मामूली है, हमारे पास पावर है। मेरी लंबी नींद ने मुझे सिखाया है कि बस निकलना ही जीत है। मैं एक बार इस प्लैनेट में फंस चुका हूँ, अब दोबारा नहीं। सैनिकों को सचेत करना चाहिए कि हम निकलने वाले हैं। मैंने सभी पावर्स का रास्ता बदल दिया है, उनका भाग्य उनका अपना है। एनर्जी क्लॉक एंगेज्ड, टारगेट एरिया के करीब। कंट्रोल, जो फ्रीक्वेंसी मैंने दी वो सेट करती क्या? सकारात्मक, डेविएंट फ्रीक्वेंसी ऑनलाइन एंड सोनिक प्रोजेक्टर चार्ज्ड। क्या तुम सुरक्षित दायरे में हो? प्लीज पुष्टि करें, क्या तुम सुरक्षित दायरे में हो? कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना मिशन पूरा करो। सकारात्मक। शायद वो नहीं होगी। वही है, मैं महसूस कर सकता हूं। परेशान करने वाली खबर है। अगर खतरा भयानक है जैसा आपने सुझाया था, आपके पास स्टार सेंटल्स का पूरा सहयोग होगा। थैंक यू कैंड्रोसन, मुझे यकीन है वो आबादी क्षेत्र के बाहर बचा रहेगा, शायद काफी दूर तक ब्रह्मांड में भी। हमारे जहाजों का दस्ता बाहरी हिस्से में गश्त लगाएगा। अगर वो पाया गया तो उससे निपटना होगा। क्या हम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हैं?
पृथ्वी को पहले निशाना बनाओ फिर सवाल करो वाली नीति पर कब से परेशानी होने लगी? प्लीज एम्बेसडर स्टील, हमें इस प्रयास में एक होना चाहिए। हमको पहले से सजग होना होगा, ना कि प्रतिक्रियाशील। कहीं मेरे कान मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हैं? एरीजियन साम्राज्य, गोस्ट नेबुला की लूनर काउंसिल, और यहाँ तक कि वो पहरेदार बहनें भी, तुम सब सच में डर गए हो। ये डर नहीं है जो हमारा मार्गदर्शन करता है, ये बुद्धिमता है। ये घातक बलों का ब्रह्मांड में हमेशा विरोध करने के लिए है। किसी एक आदमी के लिए इतने सारे शस्त्रों का इस्तेमाल करना बेकार की बात होगी। एम्बेसडर, सिंजिन एक आदमी से कहीं बढ़कर है। हमारा वंश उस जंग का हिस्सा था बहुत पहले। हम उसके द्वेष का पहला प्रयत्न जानते हैं, तो अगर संयोग भी हो कि वो जिंदा हो तो हमें तैयार होना चाहिए। जो मैं विकसित करने की सोच रहा हूँ वो है मिलिट्री टास्क फोर्स। वो सिर्फ हमारी दुनिया को बचाने में सक्षम नहीं होगा, बल्कि उन सभी को बचाएगा जो खुद की रक्षा करने में सक्षम नहीं है। क्या मेरे पास आपका सहयोग है? मैं सभी क्षेत्रों में अपनी बहनों तक ये बात पहुंचा दूंगी। हम तुम्हारी व्यवस्था में हैं। मैं अकेले में बात करना चाहूंगा। बहुत अच्छा। प्रिंस टियर, अब मैं किंग टियर हूं। तुम अच्छी तरह जानते हो मेरे पिताजी मेरे वापस आने के एक दिन बाद चल बसे थे। सेबर रेन, हम चाहेंगे कि उसे वापस भेजा जाए। नहीं एम्बेसडर, कैप्टन रेन मेरे नए सैन्य दल का लीडर है, और देखा जाए तो उसे अब एक एरिस का नागरिक समझा जा सकता है। ये मेरे लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। और सोचो, वो अभी भी एक सोरियन के साथ सफर करता है। यह तुम्हारी चिंता नहीं है। हम पर एक भयानक खतरा मंडरा रहा है, और वो अपने आप को साबित कर चुके हैं। हम सबके पास अतीत है एम्बेसडर, दूसरों की तुलना में ज्यादा अंधकार में। सलाह देता हूं कि आगामी अंधकार पर ध्यान केंद्रित करें। बहुत अच्छे किंग टियर, मैं पृथ्वी की महासंघ का मान जरूर रखूंगा, और आपके पिता के गुजरने का मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है। तुमने अच्छा फैसला किया बच्चे। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, लेकिन मैं उन्हें बता नहीं सकता कि मैंने ओरिजिन के बारे में क्या सीखा। मुझे पता है, तुम्हारे लोग अतीत की राख से उभर चुके हैं। पुनर्जन्म, तुम महानता से उनका नेतृत्व करोगे। तुम्हारे और सेवर जैसे लोग अगर मेरे साथ होंगे तो हम एक बेहतरीन भविष्य बना सकते कर सकते हैं। तो सब तैयार है? हाँ। उसे ढूंढो। तुम अच्छे लग रहे हो। तुम भी बहुत कमाल की लग रही हो। ये क्या है? एक अरसे बाद मैं एक असली शहर देख रहा हूं। लोगों के बीच उनको निशाना बनाने के एहसास के साथ घूमना। खैर, तुम मेरे साथ यहां सेफ हो, ठीक कहा ना? जैसे हमने उसे आते हुए नहीं देखा। शिप का स्टेटस क्या है? एविजियन पावर कोर इंस्टॉल्ड हो गए हैं। आयन इंजन की क्षमता में 300% सुधार है। हथियार अपग्रेड कर दिए हैं। एक्सलेंट। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, एक तोहफा किंग की तरफ से, मेरी सिफारिश करने पर। इसे तो मैं जरूर इस्तेमाल करूंगा। तो आगे क्या कैप्टन? सिंपल, हम ब्रह्मांड को बचाएंगे।
हो क्या है? लंबे समय से मेरी सोई हुई सेना, मैं चाहता हूं कि वो दोबारा जाग जाए। तुम मेरा पत्थर को मैनिपुलेट करना सीखोगी जैसे मैं करता हूं। हाँ जरूर। हाँ, तुम्हें एक कठिन इम्तिहान से गुजरना होगा जिससे तुम्हारी सुंदरता नष्ट हो जाएगी, लेकिन उससे तुम अनंत शक्ति को अर्जित करोगी। सिखाओ मुझे।